हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो जान लेते हैं पहले श्वसन क्या होता है। कोई भी जीव होता है, वो अपनी कोई भी क्रियाएं करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कैसे मिले उन्हें, वो भी देखते हैं। पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, विटामिन, ये पोषक तत्व। तो इनका वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है हमें ATP के रूप में और CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है श्वसन की। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और इसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ CO2 गैस उत्पन्न होती है प्लस जल और ये प्लस ऊर्जा। देखा आपने कि जो हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, तो CO2 गैस उत्पन्न हो रही है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ATP के रूप में। तो ये श्वसन हो गया। श्वसन का मेन यही होता है कि ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और CO2 गैस उत्पन्न होती है और हमें ऊर्जा मिलती है किसी भी कार्य को संचालन करने के लिए, संपादित करने के लिए। अब देखते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र को हम तीन भागों में बांटते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र को तीन भागों में बांट दिया, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। यहाँ हम एक चित्र बना करके देखते हैं कि ऊपरी कौन सा है, निचला कौन सा है। ये हो गया मानव श्वसन तंत्र। इसमें देखेंगे ये नासिका हो गई, यानी कि नोज, नाक जिसे बोलते हैं, ये मुंह हो गया और ये स्वर यंत्र हो गया, ये ग्रसनी हो गई, ये श्वास नली हो गई, ये श्वसनी हो गई, ये श्वसनिकाएं हो गई और ये डायाफ्राम जिसे मध्यपट बोलते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र मिलकर के ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ तक का भाग ऊपरी हो गया। इसके बाद निचला श्वसन तंत्र हो गया जिसमें श्वास नली,
श्वसनी और श्वसनिकाएं मिलकर के निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। लास्ट हमारा हो गया श्वसन मांसपेशियां, जिसमें आता है हमारा डायाफ्राम, जिसे हिंदी में मध्यपट बोलते हैं। अब इन सब का हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले है सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र। जैसा कि आपको बताया, ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका सबसे पहले है। तो नासिका हमारे नाक से ये बाहर, इसके दो द्वार होते हैं जिसे नासा द्वार कहते हैं, यहां से शुरू होकर के एक नासिका गुहा का निर्माण करती है। नासिका गुहा जो नासा ग्रसनी में खुलती है। कहां खुलती है? नासा ग्रसनी। इस नासिका गुहा में, यानी कि हमारे नाक में बाल होते हैं, महीन बाल, श्लेष्मा और रक्त प्रवाह, ये मिलकर के संयोजित होकर के मिलकर के ये बाहर से जो ऑक्सीजन के साथ पराग कणें, धूल कणें और फफूंद, इनको दूर कर शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाते हैं। दोबारा देखेंगे हम, जो नासिका है वो बाहर से दो नासा द्वार से शुरू होकर के अंदर एक नासिका गुहा का निर्माण करते हैं, जो एक पतली हड्डी से दो भागों में विभक्त रहती है और नासा ग्रसनी में खुलती है। और वहाँ पर हमारे नासिका गुहा में महीन रोम बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है और रक्त प्रवाह होता है। तो ये क्या करते हैं, और पक्षमाप भी होते हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं कि वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। वायु के साथ जो पराग कणें, धूल कणें, फफूंद आदि आ जाते हैं, उनको दूर करते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं, और फिर वो शुद्ध वायु को फेफड़ों में आगे भेजते हैं। ये नासिका गुहा का काम है। ये श्वसन का प्राथमिक अंग है, श्वसन का पहला अंग है, यानी कि प्राथमिक अंग है। श्वसन की मेन क्रिया इसी से होती है, बाहरी अंग के तौर पर। नेक्स्ट हम लेते हैं मुख। मुख ऊपरी श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग है। यह भी श्वसन का, सांस लेने का कार्य करता है, लेकिन मुख्य भूमिका नासिका की ही होती है। जरूरत पड़ने पर हम मुख से सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख से ली गई सांस नासिका से ली गई सांस की तुलना में कम शुद्ध होती है। तो हम श्वसन की मेन क्रिया नाक से ही करते हैं, यानी कि सांस हमें नाक से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रसनी। ऊपरी श्वसन तंत्र ही पढ़ रहे हैं हम, ऊपरी। इसका तीसरा भाग हमारा हो गया ग्रसनी। ये देखिए ग्रसनी, ये एक चिमनी नुमा संरचना बनाता है। ग्रसनी तीन भागों में डिवाइड होती है, मुख ग्रसनी, नासिका ग्रसनी या नासा ग्रसनी और तीसरा हो गया कंठ ग्रसनी। ग्रसनी को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और तीसरा हो गया कंठ ग्रसनी।
देखिए ग्रसनी नासा ग्रसनी में आकर के खुलती है, तो जो मुख नासिका से जो श्वास ली गई वो नासिका गुहा से होते हुए नासिका ग्रसनी में आती है। कहाँ आती है? नासिका ग्रसनी में। और नासिका ग्रसनी से आती है मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी से आती है कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी में यहाँ एक एपिग्लॉटिस नाम की संरचना होती है जिसे घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। ये यहाँ एक स्विच का कार्य करती है श्वास नली और आहार नली के बीच, श्वास नली व आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। कौन? एपिग्लॉटिस। और इसी के माध्यम से श्वास जो वायु है वो कंठ ग्रसनी में जाती है। दोबारा देखेंगे, ग्रसनी है वो तीन भागों में डिवाइड हो गई, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। वायु जो नासिका गुहा से अंदर जाती है वो सबसे पहले नासिका ग्रसनी में, नासिका ग्रसनी से मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में, और फिर एपिग्लॉटिस के माध्यम से ये श्वास नली में प्रवेश करती है स्वर यंत्र से होते हुए। अब हमारा लास्ट है स्वर यंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र का लास्ट है स्वर यंत्र। ये देखिए यहाँ है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या करता है? कंठ ग्रसनी व श्वास नली, कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र नौ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कई बार पूछ लिया जाता है स्वर यंत्र नौ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु, स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिनमें श्लेष्मा झिल्लियां होती है। श्लेष्मा झिल्लियां होती है जो वायु के बहाव से, किसके बहाव से? वायु के बहाव से कंपित होकर, वायु के बहाव से कंपित होकर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करता है, अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करता। दोबारा देखेंगे, स्वर यंत्र कंठ ग्रसनी और श्वास नली के को जोड़ने का कार्य करता है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, और ये नौ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और इसमें स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा झिल्लियां होती है। अब ये हवा के बहाव से कंपित होकर के ध्वनियां उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, ये देखिए श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फेफड़े। देखिए निचला श्वसन तंत्र का जो निर्माण होता है वो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फेफड़े मिलकर के निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम एक एक के यहाँ से ले, ये यहाँ तक का भाग निचला श्वसन तंत्र हो गया, और ये लास्ट है, ये मांसपेशियाँ है, श्वसन मांसपेशियाँ। तो हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कंठ ग्रसनी से नीचे का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्वास नली।
देखते हैं श्वास नली क्या होती है। श्वास नली यहाँ से कंठ ग्रसनी से नीचे से शुरू होती है, इसके पृष्ठ भाग से कंठ ग्रसनी के पृष्ठ भाग से शुरू होकर के फेफड़ों में खत्म होती है ये, और ये इसकी लंबाई 5 इंच होती है, इसकी लंबाई 5 इंच होती है, और इसमें पक्षमाभि कूट स्तरीय स्तंभाकार स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के छल्ले से ये निर्मित होती है। ये जो श्वास नली है ये पक्षमाभि कूट स्तरीय स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के छल्लों से निर्मित होती है। ये छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, यानी इसको चिपकने नहीं देते हैं और इसे हमेशा खुला रखते हैं। श्वास नली आगे चल करके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ये देखिए, जिसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। दाएं और बाएं फेफड़ों में ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं श्वसनी। प्राथमिक जो श्वसनी है वो फेफड़ों में जाकर दाएं व बाएं 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे दाएं और बाएं प्रकार की श्वसनी कह सकते हैं हम। ये श्वसनियाँ जाकर के श्वसनी में विभाजित हो जाती है और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभाजित हो जाती है, और तृतीयक श्वसनी छोटे छोटे खंडों में फिर विभाजित हो जाती है, और लास्ट में जो श्वसनी विभाजित हो रही है प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से छोटे छोटे और भी खंडों में विभाजित हो रही है, उसे हम कहेंगे श्वसनिका। क्या कहेंगे, श्वसनिका। ये लास्ट पोजिशन है, ये जहाँ पर ये वृक्ष की तरह ये दिखाई दे रहा है, ये श्वसनिकाएँ हैं, और श्वसनिका के लास्ट स्टेज पर कुछ शाखाएँ पाई जाती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर देखिए, एक पेड़ की तरह संरचना बनाते हैं ये, तो ये श्वसनी हो गई और ये श्वसनिका हो गया। इनके भी लास्ट अंतिम छोर पर कूपिकाएं पाई जाती हैं। इन कूपिकाओं के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, और आपको पता है गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और CO2 गैस को बाहर छोड़ना, तो ये कूपिकाओं के माध्यम से ही होता है। अब हम देख लेते हैं फेफड़े। देखेंगे फेफड़े लचीले, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं, लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, और डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, दोबारा देखेंगे, फेफड़े लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और ये हमारे वक्ष स्थल में कहाँ पाए जाते हैं, वक्ष स्थल में एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जो डायाफ्राम के ऊपर स्थिर होते हैं। फेफड़े जो है कई प्रकार की
कई प्रकार की केशिकाओं, कूपिकाओं, लचीले तंतुओं, अन्य प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। केशिकाओं, कूपिकाओं, लचीले तंतुओं, इनसे ये निर्मित होते हैं फेफड़े। ये हैं हमारे फेफड़े, ये वक्षस्थल में दो होते हैं, दायां और बायां। हम और भी इनके बारे में जानते हैं। फेफड़े दायां और बायां, दो फेफड़े होते हैं। दाहिना फेफड़ा जो है बाएं से लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अत्यधिक या इससे अधिक चौड़ा होता है। दायां जो फेफड़ा है बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है और इससे अधिक चौड़ा होता है। बायां फेफड़ा दो खंडों में विभाजित होता है, बायां फेफड़ा दो खंडों में विभाजित होता है और दायां फेफड़ा तीन भागों में या तीन खंडों में विभाजित होता है। दोबारा देखेंगे, बायां फेफड़ा दो खंडों में और दायां फेफड़ा तीन खंडों में विभाजित होता है। फेफड़े जो होते हैं ये पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं स्त्रियों के फेफड़ों से, ध्यान रखना इस बात का। फेफड़े जो होते हैं स्पंजी उत्तकों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्पंजी उत्तकों से, जिनमें कई कूपिकाएं या कई केशिकाएं वह 30 मिलियन केशिकाएं पाई जाती है। कई कूपिकाएं पाई जाती है और 30 मिलियन केशिकाएं पाई जाती है। कूपिकाएं कप के समान आकृति की होती है, यानी कप नुमा होती है। कूपिका कैसी होती है? कप नुमा होती है, जिनमें जिनमें पक्षमाभि उपकला की पंक्तियां पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। कूपिकाओं में जो प्रवाहित रक्त होता है वो ये काम करता है और रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीकरण होता है, यानी कि O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ आ जाएगा, मध्यपट, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां, देखिए श्वसन मांसपेशियां भी श्वसन में सहायक है, जैसे कि मध्यपट, इसको डायाफ्राम भी बोलते हैं। ये क्या करता है? डायाफ्राम ऑक्सीजन को लेने व CO2 को बाहर छोड़ने के लिए संकुचित व शिथिल होता है। इसके संकुचन व शिथिलन में पसलियों में भी कई प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो इसके संकुचन व शिथिलन में सहायक है। ये कंकाल तंत्र से बनी हुई मांसपेशियां है, जो ऑक्सीजन के अंदर आने व CO2 को बाहर छोड़ने में सहायक। अब हम देखते हैं श्वसन क्रिया विज्ञान, कैसे होता है श्वसन।
श्वसन क्रिया विज्ञान। श्वसन क्रिया विज्ञान में जो फुफ्फुसीय वायु संचालन है वो फेफड़ों में ऑक्सीजन के अंदर आने व CO2 को बाहर छोड़ने की क्रिया को सहज बनाता है अब ये फुफ्फुसीय जो वायु संचालन है ये दो स्तरों में इसको बांट सकते हैं, बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। जो फेफड़ों से वायु लेकर के कूपिकाओं में प्रवाहित रक्त में जो गैसों का विनिमय होता है उसके आधार पर ये बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बाह्य श्वसन क्या होता है कि वायु जो कूपिकाओं में भरी होती है वह केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य जो गैसों का विनिमय होता है वो आंशिक दाब प्रवणता के कारण होता है। दोबारा देखेंगे, बाह्य श्वसन वायु कूपिकाओं या वायु कोष्ठिकाओं व केशिकाओं में प्रवाहित रक्त आंशिक दाब प्रवणता के कारण गैसों का विनिमय होता है, उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि केशिकाओं में प्रवाहित रक्त व उत्तकों के मध्य गैसों का जो विनिमय होता है वो विस्तरण क्रिया के द्वारा होता है। ध्यान रखना इस बात का, विस्तरण क्रिया के द्वारा। आंतरिक श्वसन, दोबारा देखेंगे, केशिकाओं में प्रवाहित रक्त और उत्तकों के मध्य जो गैसों का विनिमय होता है वो विस्तरण क्रिया के द्वारा होता है। और बाह्य श्वसन में क्या था कि वायु कूपिकाओं या वायु कोष्ठिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का जो विनिमय हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, वो आंशिक दाब प्रवणता के कारण होता है। तो मेन हमारा जो श्वसन है वो गैसों के विनिमय पर आधारित है, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और CO2 गैस को बाहर छोड़ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।